तो गाइज वैसे तो अब मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट मैंने कल इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद में इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई एक और वीडियो बनाओ। बिकॉज काफी लोग का सीन ऐसा है कि देखो जो मेल्टिंग वॉल्ट में आइटम लोगों ने स्पिन किया था, मतलब मेल्ट किया था उधर, एंड मेल्ट करने के बाद ना उनका आइटम गलती से चला गया था, जिनका रेयर आइटम चला गया था उनका आइटम वापस नहीं आया, उन्होंने फॉर्म पे यस पे क्लिक किया था उसके बाद में भी आइटम नहीं आया, तो वो क्या ग्लिच है वो इस वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ ही बात करेंगे कि देखो काफी लोग का सीन ऐसा हुआ कि जो मेल्टिंग वॉल्ट में जिन्होंने अच्छा अच्छा माल निकाला था उधर, मतलब अच्छा बंडल निकाला था, अच्छा इमोट निकाला था, उसके बाद में वो सब कुछ चला गया, तो भाई ऐसा क्यों हुआ, गरीना ने ऐसा क्यों किया, तो वो सब इस वीडियो में बात करने वाले। तो काफी ज्यादा अच्छी वीडियो भाई, वीडियो को बिना स्किप किए देखना एंड शुरू करते हैं। चलो भाई, तो गाइस देखो सबसे पहले अपन उन लोगों की बात करते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे मतलब यस पे क्लिक किया था फॉर्म में, उसके बाद में भी आइटम नहीं आया। तो भाई देखो तुमको मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि देखो अगर तुमने 22 दिसंबर से पहले, मतलब 22 दिसंबर के दोपहर से पहले, मतलब जो आइटम उसको मेल्ट किया है, तभी तुम्हारा आइटम वापस आएगा, मतलब तभी तुम्हारा आइटम वापस आएगा अगर तुमने फॉर्म पे यस पे क्लिक किया है। अगर तुमने उसके बाद में किया, मान लो अगर तुमने 23 दिसंबर, 24 दिसंबर एंड 25 दिसंबर कभी भी आइटम को मेल्ट किया होगा तो तुम्हारा आइटम वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले ये देख लो कि भाई तुम्हारा आइटम कब तुमने मेल्ट किया है, अगर 22 दिसंबर दोपहर पहले मतलब कि तुमने आइटम को मेल्ट किया है तभी तुम्हारा आइटम वापस आएगा, ठीक है। एंड गाइज अभी अपन उन लोगों की बात कर लेते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे जो आइटम वो मेल्ट करके निकाला था एंड जिनको आइटम वापस चाहिए भी नहीं था, मतलब कि उन्होंने मतलब कि यहाँ पे क्या बोलते हैं फॉर्म पे यस पे क्लिक नहीं किया था एंड उनका आइटम भी चला गया, तो भाई ये तो काइंड ऑफ गरीना का ग्लिच ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, बट ऐसा हुआ होगा। मान लो अगर तुमने अच्छा आइटम उधर मेल्ट कर दिया, हिप हॉप बंडल मान लो तुमने मेल्ट कर दिया, फिर तुमको वो हिप हॉप बंडल तुम्हारा वापस चाहिए, मतलब कि तुमने यस पे क्लिक कर दिया एंड जो टोकन मिले थे उसको यूज करके बंडल निकाल लिया, तो भाई वो बंडल तो वापस जाएगा, मतलब जो तुमने निकाला है मेल्टिंग बोर्ड से, बट तुम्हारा हिप हॉप वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो होना ही था। एंड अगर तुमने मान लो कि यहाँ पे फॉर्म पे यस पे क्लिक नहीं किया बट तुम्हारा आइटम चला गया जो मेल्टिंग बोर्ड से निकाला है, तो भाई ये तो गरीना का ग्लिच है। आई थिंक मैंने गाइस तुम्हें सारी चीजें बता दी कि भाई तुम्हारा आइटम क्यों नहीं आया। तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि 22 दिसंबर से पहले अगर तुमने आइटम मेल्ट किया है तो भाई फिर तो आ जाएगा, बट अगर तुमने मान लो उसके बाद में आइटम को मेल्ट किया है, मान लो तुमने 25 दिसंबर को मेल्ट किया, 26 दिसंबर को मेल्ट किया है, तो भाई आइटम नहीं आने वाला, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताना कि तुमने कब मेल्ट किया था। एंड बस यही था वीडियो में, अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड बाय बाय, टेक केयर।